जोधपुर में द केरला स्टोरी मूवी का स्टेटस लगाने पर एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया। युवक का गला काटने की भी धमकी दी गई। मारपीट का शिकार युवक विश्व हिंदू परिषद विहिप और बजरंग दल से जुड़ा है। रविवार दोपहर विहिप और बजरंग दल कार्यकर्ताओं उदय मंदिर थाने पर हंगामा किया। विहिप कार्यकर्ताओं ने मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पीड़ित अभिषेक उम्र 24 साल पुत्र राजू सरगरा ने बताया कि वो शुक्रवार को सिनेमा हॉल में केरला स्टोरी मूवी देखकर आया था। उसने अपने व्हाट्सएप पर फिल्म के पोस्टर को लेकर स्टेटस लगा लिया था। उसने कहा कि ये मूवी बहुत अच्छी है, इसे दुनिया की सभी लड़कियों को देखना चाहिए ताकि लड़कियों में धर्मांतरण से बचे और सुरक्षित रहे। युवक के साथ हुई इस घटना के बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से जुड़े कार्यकर्ता उदय मंदिर थाने पहुंचे और कार्रवाई की मांग की। अभिषेक ने बताया कि शनिवार रात को 8:30 से 9 बजे के बीच वो अपने घर जा रहा था। काली टंकी के पास मेन रोड मेरती गेट पहुंचा था तो पिंटू अमन और अली ने रास्ता रोक लिया। उसे बोला कि केरला स्टोरी पर तूने क्या स्टेटस लगाया है, तू धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। मैंने उनको कहा कि मैंने स्टेटस में क्या गलत लगाया है। उस समय मेरा मोबाइल घर पर चार्ज में लगा हुआ था। युवक ने मोबाइल दिखाने को कहा तो मैं उनके साथ अपने घर पर आया। मम्मी को बोला कि ये मेरे दोस्त थे। इसके बाद मैं घर से मोबाइल निकाल कर बाहर उन्हें जैसे ही दिखाने लगा कि मेरे मोबाइल में क्या गलत है, इतने में मेरे साथ उन्होंने मारपीट करना शुरू कर दी। युवक ने बताया कि उसके स्टेटस में ऐसा कुछ नहीं था, इसका इरादा किसी भी धर्म की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। उसके स्टेटस में सिर्फ यही लिखा था कि सभी को ये मूवी देखना चाहिए। इधर घटना के बाद रविवार दोपहर विहिप और बजरंग दल से जुड़े कार्यकर्ता उदय मंदिर थाने में इकट्ठा हो गए और पुलिस से नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की मांग की। विहिप नेता बोले उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे। युवक के साथ उदय मंदिर थाने पर पहुंचे विहिप के जिला मंत्री पूर्व जितेन शर्मा ने कहा कि हमारे एक साथी को किसी काम के बहाने घर से बाहर बुलाकर मारपीट की, वो किसी तरह से बचकर अपने घर में भागा। युवक ने स्टेटस लगाया था, ये द केरला स्टोरी का स्टेटस था। स्टेटस में किसी जाति धर्म को लेकर कुछ आपत्तिजनक नहीं था। ऐसे लोगों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। विहिप का मानना है कि कानूनी प्रक्रिया से सेंसर के साथ पास हुई है। किसी भी फिल्म को देखना लोगों का अधिकार है। एसपी बोले जांच कर रहे। एसीपी दयावर सिंह ने कहा कि आज एक युवक ने 3 लोगों के खिलाफ रास्ते में रोककर मारपीट करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। युवक ने फिल्म का स्टेटस लगाया था। केस दर्ज कर जांच कर रहे। पीड़ित युवक कपड़े की दुकान पर सेल्समैन है। जोधपुर से अभिषेक सेन की रिपोर्ट। मैं परसों एक मूवी देख कर आया था केरला स्टोरी, उसके बारे में मैंने एक स्टोरी लगाई थी कि यह मूवी बहुत अच्छी है, इसे आप सब देखें, दुनिया की सारी लड़कियां देखनी चाहिए। इससे आप धर्मांतरण करने से बचें और जिससे आप सुरक्षित रहेंगे। बस मैंने ये नॉर्मल स्टेटस लगाया था और कुछ लोग आए, उन्होंने मेरे को बोला कि स्टेटस क्यों लगाया, तो मैंने पूछा मैं इसमें गलत भी क्या है, तो बोले कि तेरा स्टेटस दिखा, क्योंकि मेरा मोबाइल घर पर चार्ज हो रहा था तो मुझे अंदर भी नहीं जाने दे रहे थे। अपने मोबाइल में अपने फ्रेंड जोन में मोबाइल के चेक कर रहे थे कि स्टेटस देखो इसका, मेरे स्टेटस देखने की कोशिश कर रहे थे, तो फिर मेरे को बोला कि व्हाट्सएप पे लगा हुआ है, व्हाट्सएप पे चेक करो। तो मेरे का मेरा मोबाइल घर पड़ा है, तो मैं घर पे गया, वो बंदे 2 बंदे मेरे साथ भी आए थे, जबकि मेरी मम्मी को भी ये बात बताया है, पर मेरी मम्मी को मैं कुछ बताया नहीं, मैंने ऐसे बोला कि मेरा दोस्त है, ऐसे मैं जाके आ रहा हूँ। बाहर आकर मैंने उनको स्टेटस दिखाया, इंग्लिश में वो लिखा हुआ था जो मैंने स्टेटस अभी मैंने स्पीच बताया, और जो मैंने बताया शो किया ही था उनके सामने। उन जाहिल को कुछ इंग्लिश तो समझ में आई नहीं, ठीक है, बस वो इंग्लिश में लिखा हुआ दिखा, पर लिखा हुआ क्या है वो नहीं समझ आया उनको। इतने में वो मुझे काफिर वगैरह जो मुसलमान को बदनाम करते हैं ऐसा वैसा बोल के मुझे थप्पड़ वगैरह मारने स्टार्ट करते हैं। अब आपने रिपोर्ट दी? हाँ, थाने में रिपोर्ट दिया सर, से जल्द कार्रवाई करेंगे, कुछ ना कुछ देखते हैं उनको क्या होता है। कार्यकर्ता बंधु जिसका नाम अरुण उर्फ अभिषेक है, वो कल करीबन रात को 10:30 बजे पहले कुछ लोग उनके पास आए थे जो कि FIR में नामजद है। उन्होंने उनको घर से बुला के ले गए किसी काम के बहाने, काम के बहाने घर से बाहर ले जाकर कुछ अन्य 15-20 लोग उनके साथ थे, एक विशेष धर्म के लोग थे जो उनके साथ थे, तो उन्होंने एक स्टेटस दिखाया जिस स्टेटस के लिए जो अभी हमारी जो मूवी है द केरला स्टोरी, वो देख के उसका स्टेटस डाला हुआ था जिसमें कोई भी किसी भी जाति धर्म के लिए कोई आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग नहीं था। फिर भी उस स्टेटस को देख के उसके आधार पे उस कार्यकर्ता बंधु से काफी जैसे शब्दों का उपयोग करके उनके साथ 15 से 20 लोगों ने क्रूरतापूर्वक मारपीट की, तो उस बंदे ने बड़ी मुश्किल से बचते हुए अपनी जान बचाते हुए छुड़ा के वो भाग के अपने घर में घुसा। जिस जगह हमारे कार्यकर्ता बंधु का मकान है वहाँ वो अल्पसंख्यक है, तो बहुसंख्यक विशेष धर्म के लोगों के द्वारा उनके साथ जो मारपीट गई है उसके संदर्भ में आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पदाधिकारीगण और कार्यकर्ता बंधुओं द्वारा आज उदय मंदिर थाने में नामजद आरोपियों को पकड़ के सख्त से सख्त कार्रवाई करने हेतु आदरणीय थानाधिकारी महोदय को FIR दर्ज करवाई गई है। एवं विश्व हिंदू परिषद इस माध्यम से एक बात कहना चाहेगा कि फिल्म देखना एक स्वतंत्र अधिकार होता है नागरिक का, जो कि कानूनी प्रक्रिया से पूर्ण रूप से निकल के आई है,
उसके बावजूद भी किसी ओछी मानसिकता के तहत आप अगर किसी कट्टरपंथियों के आधार पर किसी के साथ मारपीट होगी तो ये विश्वहिंदु परिषद भजन दल सहन नहीं करेगा। फिर वो अगर इस तरह से कानूनी कार्रवाई को भी नहीं समझते हुए अगर वो जैसी कार्रवाई करेंगे उसका उत्तर का प्रत्युत्तर विश्वहिंदु परिषद देगा। जितेंद्र शर्मा, विश्वहिंदु परिषद, पूर्वी जिला मंत्री।